अगर आपको पर्सनल यूज के लिए इमेज की ज़रूरत होती है तो उसे आप गूगल से जाके डाउनलोड करके यूज कर लेते हैं, लेकिन कमर्शियली यूज के लिए आप ऐसे ही डाउनलोड करके यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉपी राइटेड होती है। जैसे न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर, यूट्यूब चैनल या किसी भी कंपनी को एड के लिए इमेज चाहिए तो उसे बाय करना होता है, क्योंकि ये सारे जो है कमर्शियली में आ जाते हैं और कमर्शियली है। तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहाँ पे आप अनेक कैटेगरी की फ़ोटो अपलोड करके, जैसे हाईवे, ब्रिज, एस्टेट, फ्लावर की फ़ोटो आप अपलोड करके उससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। सो गाइस, मैं हूँ इंजीनियर राजा और मैं आज आपको एक ऐसी पिक्सी वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पे आप एक क्लिक में अपना फ़ोटो अपलोड करके उससे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मेरे तो खून में ही टाइटेनियम है, ऐसा करने की कोशिश कीजिएगा और आप चाहें तो कर भी सकते हैं। यह है पिक्सी, साउथ एशिया की लार्जेस्ट स्टॉक फोटो कंपनी। इस वेबसाइट पे आपको सभी कैटेगरी की इमेज यहाँ पे मिल जाएगी, जो भी नया नया जो प्रोटेस्ट वगैरह जो भी कुछ चलते रहता है उसका फ़ोटो जो फोटोग्राफर है वहाँ फोटो को कैमरा से या मोबाइल से लेके इस वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अभी न्यू में फार्मर का चल रहा है, क्रिसमस का चला था, तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको ढेर सारा फ़ोटो मिल जाता है। जैसे अभी फार्मर का चल रहा था प्रोटेस्ट, तो यहाँ पर देखिए फोटोग्राफर ने फ़ोटो को क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर दिया है सेल करने के लिए। अगर आपको इनमें से कोई भी पिक्चर को अगर आपको लेना है तो सिंपली आपको इसको बाय करना पड़ेगा। तो सिंपली फ़ोटो पर क्लिक कीजिएगा और यहां से इसको आप बाय कर सकते हैं, मतलब ख़रीद सकते हैं। अगर किसी को भी कमर्शियल यूज़ करने के लिए अगर पिक चाहिए तो यहीं से भी आप वो पिक को यहां से बाय कर सकते हैं। जैसे कि न्यूज़ चैनल पे, अखबारों में, यूट्यूब पे, वेबसाइट पे जो भी जो पिक्चर होते हैं वो यहीं सब से वो बाय किए रहते हैं। तो आप भी यहीं से अगर चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहां से बाय करके इस सारे जो चैनल है इस पर अपलोड करते रहते हैं। इसी तरीके से यहां पे बहुत सारे कैटेगरी दी गई है जिससे रिलेटेड यहां पे आपको इमेजेस यहां पे मिल जाएगा। जैसे कि अगर ड्राई फ्रूट की इमेज चाहिए तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके जितने ड्राई फ्रूट की जो इमेजेस है यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसके लिए जो भी पिक लेना है इस पिक पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ से आप इसको कमर्शियली यूज़ के लिए यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। ये सब जो कंपनी है जो कमर्शियल यूज के लिए पिक वगैरह है वो यहीं से बाय करते हैं। पिक्सी पे अपनी इमेज अपलोड करने के लिए आपको और उनसे पैसे कमाने के लिए आपको यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको ये फॉर्म फिलअप करना होगा, यहाँ फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम, यहाँ पे अपना यूजर नेम जो भी देना चाहते हैं यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपना एक यूजर नाम डाल देंगे, इसके बाद यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी डाल देना है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को यहाँ पे आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट सक्सेसफुली इस पे हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे आपके सामने है। आपके ईमेल आईडी पे एक लिंक सेंड किया गया है, यहाँ पे देखिए आपके ईमेल आईडी पे एक लिंक सेंड कर दिया गया है। यहाँ देखिए, यस दिस इज माय ईमेल एड्रेस, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करके अपने अकाउंट को वेरीफाई करेंगे, ईमेल आईडी को। ईमेल कॉन्फर्म हो चुका है, अब आप लॉगिन कर सकते हैं, जो यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल कॉन्फ़िगरेशन। लॉगिन करने के लिए पिक्सी में लॉगिन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि आई एम फोटोग्राफर, आपको इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे अपना यूजर नेम, ईमेल आईडी या पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन करेंगे। यहाँ से लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करते ही आपके सामने एक पैनल आ जाएगा। तो आपके सामने देख रहे हैं कि आपका ये पैनल आ चुका है पिक्सिया का। तो यहीं से आप देख सकते हैं कि पिक्सी पे फ़ोटो और यहीं से आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। जो न्यू यहाँ पर दिखा रहा है कि ये न्यू है, पहले यहाँ पर सिर्फ फ़ोटो होता था, अब यहाँ पर वीडियो भी कर दिया गया है। आपकी जो फ़ोटो या वीडियो पब्लिश हो गई है या यहाँ पे अप्रूव हो गई है वो यहाँ पे पब्लिश में देख सकते हैं, और जो फ़ोटो वीडियो रिजेक्ट हो गई है वो आप यहाँ पे रिजेक्टेड में देख सकते हैं। इसके बाद अकाउंट में आइएगा, यहाँ प्रोफाइल से अपना प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं। अर्निंग में जाके आपकी जो फ़ोटो वीडियो से कितनी अर्निंग हुई है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद पेमेंट पे क्लिक करके अपना पेमेंट अकाउंट लिंक कर सकते हैं पेमेंट लेने के लिए। अब जैसे कि आपने किसी इंसिडेंट की फ़ोटो, किसी प्लेस की, किसी बिल्डिंग की फ़ोटो अगर आपने क्लिक की है, अगर आपको वो यहाँ अपलोड करनी है तो यहाँ पे अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करेंगे।
या तो अपने उस इमेज को यहाँ पे ड्रॉप एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ क्लिक करेंगे अपलोड करने के लिए, जहाँ भी फोटो है वहाँ से चूज करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। यहाँ से ओपन कर देंगे, आपकी जो इमेज है यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। अगर आप चाहे तो और भी इमेजेस यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या कंटिन्यू टू एडिट पर क्लिक करेंगे तो इनमें से जितने भी आप अपलोड की है उनमें से सेम टाइटल या डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दे सकते हैं। यहाँ पे जिसको भी आप देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उसको यहाँ पे टाइटल डालेंगे, और टाइटल यहाँ पे आपको दे रखा है। अगर एक से ज़्यादा टाइटल चाहते हैं कि इसमें डालें तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपके इमेज के अकॉर्डिंग टेक्स्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोज, हैट, हेयर, भेषण केयर, फन, माउथ, लिप चेक, फेस, ग्लासेस, तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाता है। अगर आप चाहे तो इसमें और भी टैग यहाँ पे टाइटल ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट कर ली है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इंडिया। इसके बाद यहाँ पे सेंड टू रिव्यू पे ओके करेंगे। ओके करते ही ये आपका जो है तो आपकी ये इमेज रिव्यू के लिए सेंड हो जाएगी। तो आप इस तरीके से जितने भी चाहे फ़ोटो वीडियो सेंड टू रिव्यू करेंगे तो वो सब आपको यहाँ पे रिव्यू वाले ऑप्शन में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे ये रिव्यू में एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको इस सबको यहाँ पे पब्लिश में मिल जाएगा और वेबसाइट पे पब्लिश हो जाएगी। अगर ये रिजेक्ट हो जाती है किसी वजह से तो ये देख रहे हैं रिजेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और रिजेक्टेड फोल्डर से ये 21 दिन के अंदर ये आप यहाँ से डिलीट हो जाएगा। कोई भी फोटो और वीडियो सबमिट करने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं कुछ गाइडलाइन दी गई है जो बहुत ही सिंपल है, जिसे यहाँ से आप बहुत ही आसानी से रीडिंग कर सकते हैं। पहले गाइडलाइन तो यह है कि आप जो भी इमेज या जो भी आप वीडियो अपलोड करेंगे वो वाटरमार्क नहीं होना चाहिए, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरी गाइडलाइन यह है कि आपकी जो फ़ोटो है अच्छी रेजोल्यूशन की होनी चाहिए, जिसके देख रहे हैं कि 1800x500 और 500x1800 की होनी चाहिए। अगर आप फ़ोन से या DSLR कैमरा से जो पिक लेते हैं उसका रेजोल्यूशन है 4000x2000 का पिक्सल का आपका होना चाहिए। आजकल के जो मोबाइल फ़ोन में कैमरा आती है उनसे आप आसानी से इतने रेजोल्यूशन की फ़ोटो आप बहुत ही आराम से क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा 3 गाइडलाइन जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 गाइडलाइन है जो आप बहुत ही आसानी से यहाँ रीड करके समझ सकते हैं और इसको आप फॉलो भी कर सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पे अर्निंग्स। अब जितनी आपकी अर्निंग होगी वो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो आपकी जितनी इमेज है वो अप्रूव हो जाएगी और वेबसाइट पे पब्लिश हो जाएगी, तो वो यहाँ पे शो होगी कि आप किस इमेज से कितने अर्निंग की है। आपकी जितनी इमेज से सेल होगी उस पर आपका यहाँ देख रहे हैं कि 20% का आपका इस पर हिस्सा होगा। मतलब कि जितने भी इमेजेस आपकी सेल होगी, मतलब कि आपको हर एक सेल पे 20% आपको मिलेगा। और इसने यहाँ भी शो कर दिया है कि यहाँ पे मिनिमम आपको हर एक इमेज पर आपको 15 रुपया दिया जाएगा। बाकी डिपेंड करता है आपकी इमेज पे, जितनी ज़्यादा आपकी इमेज की सेल होगा आपको उतनी ही ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं फोटो वीडियोस पर कितना परसेंटेज आपको मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे 1 से 10 फोटो पे आपको 20% का शेयर मिलेगा, यहाँ से 11 से 100 फोटो पे आपको 22% का शेयर मिलेगा। इसी तरीके से आपका शेयर बढ़ता जाएगा, और यहाँ देख रहे हैं जैसे 50,000 प्लस हो जाएगा तो आपको 40% आपको दिया जाएगा शेयर। इसके बाद है यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे अपना पेमेंट जो है यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट इसमें ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ अपना पेपल आईडी भी ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पेपल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि पेपल आईडी का यहाँ पे आपको पेपल आईडी डाल देना है, यहाँ पेपल आईडी का लिंक, और यहाँ सेव कर देना, ये आपका पेपल आईडी आपका ऐड हो जाएगा। अगर आप यहां पर पेमेंट आईडी नहीं डालना चाहते हैं तो सिंपली अपने यहां बैंक अकाउंट का बैंक नेम डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, कंफर्म करेंगे, आईएफएससी कोड डाल के यहां सेव कर देंगे। तो यहां पे पूरा जो अपना एड्रेस डालने पर आपका सेव हो जाएगा, और इसमें बैंक में ही अपना जो है आपका पेमेंट आप ले सकते हैं, या आप पेपल अकाउंट नंबर डाल के यहाँ पेपल जो आप पेपल ईमेल आईडी वो डाल के आप सेव करेंगे तो आपका जो है अमाउंट आपका पेपल में जो आपका पेपल आईडी बनाया है उसमें आपका आएगा। इसके अलावा इसमें आपको FTP का भी ऑप्शन दिया गया है, यानी कि आपको बहुत सारे इमेजेस एक साथ अपलोड करनी है तो आप FTP के थ्रू कर सकते हैं, जिसके लिए आप FileZilla सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। ये तब काम आता है जब आप एक साथ हजारों पिक्चर अपलोड कर रहे हो। इसके अलावा इसका रेफरल प्रोग्राम भी है जहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका लिंक रहेगा, ये आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं, और ये आपका ऊपर में रेफरल कोड रहेगा जो यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं। हर एक रेफरल साइनअप पे आपको 10 रुपीज़ की अर्निंग होगी। तो जस्ट ये सिंपल आपका ये जो फॉर्म है उस पर फोटो वीडियो किस तरीके से अपलोड करनी है, तो यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। जैसे अप्रूव हो जाएगी वो आपको यहाँ पे रिव्यू वाले में शो करेंगे, तो ये वेबसाइट पे पब्लिश हो जाएगा। जब भी कोई इसको यहाँ से बाय करेगा तो आपको अर्निंग होगा। तो यहाँ से हर एक सेल पे आपको अर्निंग होगी। तो अर्निंग में आके यहाँ पे आप अर्निंग दे सकते हैं, और पेमेंट में आके आप यहाँ पे बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जो भी फोटो या वीडियो आप इसमें सबमिट करते हैं उसमें आपको मैक्सिमम 7 डेज का टाइम लगता है, जो आप यहाँ ऊपर में देख सकते हैं। तो यहाँ पे रिव्यू 7 डेज दिया हुआ है, बल्कि ये रिव्यू 24 आवर से 48 आवर के बीच में ही ये रिव्यू कर लेता है। मेरा जो मेन अकाउंट है उसमें 24 घंटे के अंदर अंदर ही रिव्यू हो जाता है और मैक्सिमम मेरा अप्रूव हो जाती है। तो ये रिजेक्ट तभी होती है जब किसी का फोटो आप क्लिक करके अपलोड करते हैं तो वो आपका रिजेक्ट हो जाती है, या अगर आपको रिजेक्ट इसीलिए होता है कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो तभी ये रिजेक्ट होता है, तो मोस्टली यहाँ पे ये जो है अप्रूव हो जाती है। तो आप अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक करके मोबाइल से DSLR कैमरा से यहाँ पर दीजिए, और जितनी अच्छी क्वालिटी होगी ये वो इस वेबसाइट पे आपको अप्रूव हो जाएगी। अगर ख़राब वीडियो रहेगा और किसी का कॉपीराइट वाला वीडियो रहेगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, आपने जाना कि किस तरीके से हम पिक्सी पे अपना फोटो वीडियो अपलोड करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।